लेकिन गाइस कैसे हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम मैथ की चैप्टर नंबर 2 10th की 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6 करने जा रहे हैं। और ये आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो गाइस पहले क्वेश्चन में वो कहता है यूज द सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर। तो गाइस ये सिंथेटिक डिवीजन बहुत ही आसान है। तो अब हम पहले क्वेश्चन की जानिब जाते हैं, तो उसमें वो क्या कहता है देखते हैं। तो गाइस ये पहला क्वेश्चन पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 लिख दिया। तो वो कह रहा है कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, ठीक है गाइस, ये उसने दिया। तो हमें ये करना है, ठीक है गाइस। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें हम लिखेंगे, ये बहुत ही आसान है, ये सिंथेटिक डिवीजन इस तरह है, ठीक है गाइस। इस तरह करेंगे तो इस तरह आपने कर लेना है। और फिर यहाँ पे लिखना है पहले 1, ये आपने देखना है यहाँ पे एक वैल्यू। उसके बाद देखना है आपने एक्स स्क्वायर है तो उसके बाद एक्स आएगा और उसके बाद कॉन्स्टेंट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7x है तो 7 आ गया, और यहाँ 1 है तो 1 आ गया, ठीक है गाइस। और अब सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है क्योंकि यहाँ पे आना है माइनस, शुक्र है मैंने पहले ही देख लिया, अब वरना हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, ठीक है गाइस। तो अब हम उन्होंने ये दिया है तो हम इसे करेंगे एक्स प्लस 1 को इक्वल 0 के ले लेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद हम इसे करेंगे इस तरह के एक्स, और ये इधर प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो गया, ठीक है गाइस। तो फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 के साथ माइनस 1 के साथ, ठीक है गाइस। ये जौन सा 1 है ये इसी तरह ही नीचे आ गया, ये बन गया 1। तो अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और माइनस है तो माइनस 1 आ गया, ठीक है गाइस। तो जब हम इसमें वो प्लस माइनस करेंगे तो 7 प्लस 7 में से माइनस 1 निकाले तो 6 आ गया, ठीक है गाइस। उसके बाद माइनस 6 माइनस 1 को माइनस 6 के साथ करवाया तो माइनस 6 आ गया, ठीक है गाइस, मल्टीप्लाई तो ये आ गया। उसके बाद माइनस 1 और माइनस 6 प्लस हो जाएंगे तो माइनस 7 आ गया, ठीक है गाइस। तो उसके बाद ये जौन सा है हमारा रिमाइंडर है, ठीक है गाइस। और उसके बाद हम जौन सा हमारे पास क्वेश्चन आया है वो है आखिरी वैल्यू जौन सी होगी वो हमेशा रिमाइंडर होगी और बाकी क्वेश्चन होगा, ठीक है गाइस। क्वेश्चन है जी एक्स, यहाँ पे जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसको वन के साथ डिवाइड करें, वन के साथ डिवाइड कर दिया तो एक्स रह जाएगा। अगर एक्स क्यूब है तो उसके वन के साथ डिवाइड कर दिया तो वो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे एक्स और यहाँ पे सिक्स के साथ प्लस कोई भी नहीं लगी हुई तो साइन नहीं लगा होता, इसका मतलब है ये प्लस है, ठीक है गाइस। उसके बाद रिमाइंडर हमारा है जी माइनस 7, ठीक है गाइस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो गाइस हम दूसरे क्वेश्चन में भी वो इसी तरह ही है। तो पहले हम इसे ये वाला मैंने थोड़ा सा लेट किया था तो हम इसे पहले शुरू में करेंगे तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे और ये उधर जाके माइनस 3 हो गया, ठीक है गाइस। और उसके बाद हम इसे उसी तरह ही लिख लेते हैं जिस तरह पहले लिखा था। तो गाइस यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है तो उसके बाद एक्स स्क्वायर आना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम उसकी जगह 0 लिख लेंगे तो 4 आ गया। एक्स क्यूब यहाँ पे हमने ये एक्स वेरिएबल वगैरह नहीं लिख रहे तो यहाँ 0 आ गया, और फिर माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है गाइस। और फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट यानी 15 आ गया, ठीक है गाइस। तो जब हम इसको माइनस 3 ये वैल्यू उसी तरह ही नीचे आ जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये आ गया 4, तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस 12 हो गया, ठीक है गाइस। तो जब इसको इसके साथ प्लस किया तो ये माइनस 12 वैसे ही आ गया। जब माइनस 3 को माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 36 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फिर जब इसको प्लस माइनस करवाएंगे तो 31 आ जाएगा, प्लस 31
36 में से माइनस 5 निकाले तो 31 आ गया, ठीक है गाइस। और उसके बाद माइनस थ्री को 31 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -93 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब अपन -93 को +15 में से माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 78, ठीक है गाइस। इसमें ये हमारा रिमाइंडर आ गया और ये वाला हिस्सा हमारा क्वेश्चन आ गया। तो गाइस आपने देखा है यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो हम इसको एक के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने किया था, एक्स स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया था तो वो एक्स आ गया था, ठीक है। तो गाइस अब हमारा क्वेश्चन आया है फॉर एक्स स्क्वायर -12 + 31, ठीक है गाइस। और रिमाइंडर आ गया है -78। तो गाइस हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आप हमारा चैनल लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तीसरे क्वेश्चन में भी उसी तरह ही वो कह रहा है, तो पहले हम इसे लिखेंगे एक्स माइनस टू को और जीरो के इक्वल ले लेंगे और एक्स को एक्स ये इधर जाके पॉजिटिव हो गया, ठीक है, इधर नेगेटिव रहा तो इधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो बाकी स्टेप उसी तरह ही है, यानी यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया एक्स स्क्वायर और फिर उसके बाद -3 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है गाइस। तो उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ये इसी तरह ही उत्तर आएगा, ठीक है। तो फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 2, ठीक है गाइस। तो फिर इन 1 और 2 को प्लस किया तो 3 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है गाइस। जब -3 में से +6 करेंगे तो वो आ जाएगा 3, ठीक है गाइस। फिर जब 2 को फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आ जाएगा, और फिर जब 2 को 6 के साथ प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो गाइस हमारा ये आ गया रिमाइंडर और ये है क्वेश्चन। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन है जी x² + 3x + 3। तो गाइस आपने देखा होगा यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो गाइस हम इसको एक के साथ डिवाइड कर देंगे तो वो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। यहाँ जितनी वैल्यू यहाँ पे दी होगी उससे एक काम करके हमने आंसर में लिखनी है, ठीक है गाइस। तो ये तो रिमाइंडर हमारा है जी 8, ठीक है गाइस। हमारा ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो गाइस अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो वो उसमें ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज द पॉलीनोमियल 2x³ - 3x² + 9। तो गाइस हमने इस तरह के क्वेश्चन 9th में 5.2 में किए थे, याद आए या नहीं? अगर आपने किए हैं तो आपको अच्छी तरीके से याद आ गए होंगे, ठीक है गाइस। तो हमने ये चीज़ लाजमी लिखनी है कि, तो गाइस अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो वो इस तरह है कि इसे हम गाइस तो 2 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा -3h + 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x आना चाहिए था, क्योंकि x² के बाद x आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और फिर आ जाएगा +9, यहाँ पे 9 वैसे ही लिख लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो गाइस ये 3 दिया हुआ था तो ये 3 यहाँ पे आ गया, और ये जो सा 2 है ये वैसे ही नीचे आ जाएगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 6। तो गाइस ये इस तरह लिखा जाएगा कि -3h + 6, ठीक है गाइस। तो फिर जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यानी हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 को 3h + 6, ठीक है।
जब ये इसको हम इसको वैसे ही उतार लेते हैं तो 3H plus 6, ठीक है। और उसके बाद जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो आ गया तो क्या कहते हैं 9, ठीक है। और उसके बाद ये -3H और +6 वैसे ही लिखा रहेगा, ठीक है गाइस। तो गाइस आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना, तो इसके दो तरीके हैं, मैं एक आसान तरीके वाले से कर रहा हूँ। तो -3H+6, ठीक है गाइस। तो अब हम 9+9 करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर उसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो फिर हमारे आंसर आ जाएंगे गाइस। एक तो ये तरीका हो गया, और एक तरीका और है, वो भी आसान है और ये भी आसान है, मैं आपको इसी तरीके से ही करवाता हूँ। तो गाइस इसमें हमारा ये रिमाइंडर है और ये वाला हिस्सा क्वोशेंट है, तो गाइस अब हम इसे लिख लेते हैं। तो गाइस ये रिमाइंडर दिया हुआ है और हम पहले ये लिखेंगे इफ़ 3 is the 0 of given polynomial, तो फिर आगे लिखेंगे 100, ठीक है गाइस। 100 लिखने के बाद हम 9+9, उसके बाद 6H, इस तरह भी लिख सकते हैं -3H और is equal to 0, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे 0 के इक्वल लिया, ठीक है गाइस। तो ये आप इस तरह होगा कि ये +9 इसी तरह ही रह जाएगा और ये इसके साथ इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +54। 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -27H आ गया, ठीक है गाइस। और फिर जब इसको हम प्लस करवाएंगे तो ये आ जाएगा 63, ठीक है गाइस। और -27H is equal to 0 है, तो गाइस अब हम इसे इस तरह करेंगे -27H को इस तरह इधर रहने देंगे और -63 को उधर ले जाएंगे, फिर इसको ये वाला इससे कट जाएगा और ये जो सा H है ये इधर रह जाएगा और 63/27 यानी 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था और उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस 9 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 27 होता है, तो यानी ये 3 आ जाएगा और 9 7 बार ये है 7, ठीक है गाइस। तो H इज इक्वल आ जाता है 7/3। तो गाइस हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो गाइस आप हमारा चैनल लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन को दबाना मत भूला करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो गाइस अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की जानिब आ गए हैं, तो जिसमें वो कहता है कि 1 is the 0 ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। तो यानी अब हमें इस तरह करना है कि px, ये वाली हमने आपने पढ़ा ही होगा जो हमसे दिया हुआ है, तो px x³, फिर आ गई ये वाली हम वैल्यू लिख लेंगे x² + 11 एंड 1 is its root, ठीक है गाइस। तो यानी 1 जो आंसर है वो px = x³ - 2hx² + 11 का रूट है, तो यानी बाकी ये उसी तरह ही होगा। ठीक है गाइस, तो बाकी ये उसी तरह ही होगा, हम इसे x³ है तो यानी 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा -2h, उसके बाद x आना था तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो उसके बाद हम 1 क्योंकि 1 दिया हुआ तो ये वैल्यू उसी तरह ही नीचे आ जाएगी, उसके बाद -2h यानी 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, ठीक है गाइस। तो ये आ गया 1 - 2h, ठीक है गाइस। और उसके बाद जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 को 1 - 2h के साथ, तो 1 - 2h ही रह गया,
तो ये 1-2 2H वापस दोबारा वैसे ही आ गया, ठीक है गाइस। और उसके बाद जब हमने 1 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1-2H वैसे फिर आ गया, तो ये फिर आ गया 11+1-2H, ठीक है गाइस। और आ गया, तो ये हमारा आ गया रिमाइंडर और ये चीज़ है हमारी क्वोशेंट, ठीक है। तो गाइस अब ये इस तरह होगा कि पहले हम रिमाइंडर लिख लेते हैं और रिमाइंडर को हम लिखेंगे कि रिमाइंडर है जी 11+1-2H, ठीक है गाइस। और 1 इज द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल ऑफ इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, ठीक है गाइस। उसके बाद हम क्योंकि दिया हुआ है तो फिर हम इसे लिख लेंगे 11+1-2H को 1 के इक्वल, ठीक है। तो होगा इस तरह के हम 1+-2H इज इक्वल 0 आ गया गाइस। हमने जब ये प्लस हो रहा था तो हमने इसे वैसे ब्रैकेट खोल दी और इसको इस तरह लिख लिया, ठीक है। तो 11+1 ये 12 हो जाएगा, -2H इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है गाइस। और उसके बाद ये होगा इस तरह के 12 है तो ये 2H इधर चला जाएगा और फिर ये 2 इधर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो इधर डिवाइड हो जाएगा और H तो ये आ जाएगा 6। तो गाइस हमारा H की वैल्यू आ गई 6। तो गाइस हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो गाइज अब हम पार्ट नंबर 3 की जानेब जाते हैं, तो वो उसमें कहता है -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। तो गाइज जौन सा है उसे क्या कहते हैं हम इसे अब इस तरह करेंगे कि सारा क्वेश्चन उसी तरह ही है, ये p ऑफ x लिख लेंगे, ठीक है गाइज। p ऑफ x लिखने के बाद इक्वल आ जाएगा 2x-5hx-23 के, ठीक है गाइज। और उसके बाद फिर ये हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, ठीक है गाइस। तो सिंथेटिक डिवीजन में होगा कि 1 है -1, ठीक है। और ये बाकी आ जाएगा 2x³ है तो यानी 2 आ जाएगा, और उसके बाद x² आना था तो वो नहीं दिया हुआ था, उसके जगह 0 आ जाएगा। और उसके बाद 5x दिया हुआ है तो -5, तो गाइस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +h, तो उसके बाद -23 दिया हुआ है तो -23 आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो फिर ये तो आपको पता ही है वैसे ही नीचे आ जाता, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 आ गया, तो ये -2 0 को -2 के साथ किया तो -2 आ गया। तो फिर जब -1 को -2 के साथ किया तो ये आ गया 2, ठीक है। तो उसके बाद हम लिखेंगे 5h+2, ठीक है गाइस। और उसके बाद लिखने के बाद हम इसे करेंगे कि -1 को फिर 5h+2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा -5h+2, ठीक है गाइस। तो फिर अब हम इसे लिखेंगे -23-5h+2, ठीक है गाइस। तो ये आगे हमारा रिमाइंडर और ये है हमारा क्वेश्चन। तो रिमाइंडर आप लिखेंगे -23-5h+2, ठीक है गाइस। तो जैसे एज इट दिया हुआ है -1 इज द जीरो पॉलीनोमियल ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, ठीक है गाइस। तो उसके बाद हम इसे -0 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 0, तो गाइस ये हम इसे 0 के इक्वल लेंगे। तो उसके बाद होगा ये कि हम इसे -23 इसको माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5x और -2 आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो हम -23-2 और -5x इज इक्वल है 0, और उसके बाद ये -25 और 5h इज इक्वल 0 आ गया।
लिखेगा तो -25 इज इक्वल है 5h, ठीक है। तो अब हम ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 आ गया एच। तो यानी गाइस तो -5h -5 इज इक्वल है एच के। तो गाइस हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। गाइस इसी तरह हमारी वीडियो भी अपने इख्तिताम को पहुंची। तो गाइस आप अपना अच्छे से ख्याल रखना और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना, ताकि हम अगली वीडियो पे भी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।